कि दो दोस्त थे, दो दोस्त से कहीं जा रहे थे, ट्रैवलिंग कर रहे थे गाड़ी से कहीं जा रहे थे, बहुत प्यारा दोस्त था ठीक है, और दोनों एजुकेटेड दोस्त था, एजुकेटेड मतलब होता है कि पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति था, दो दोस्त थे जा रहे थे, जाने के क्रम में क्या हुआ कि जब वो जा रहे थे तो एक दोस्त बोले कि भाई एक बात बोले, बोला कि बोलो क्या बात है, तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट तुमको बता रहे हैं थोड़ा ध्यान से सुना, बोला कि बोलो, वो बोला कि दुनिया में गरीब नहीं होते हैं, दुनिया में गरीब लोग नहीं होते हैं। दूसरा दोस्त को हंसी आ गया, लगता है कि पागल को लग गया होगा, सही नहीं कि मतलब आप कैसे कह रहे हैं कि दुनिया में गरीब लोग नहीं होते हैं, ठीक है, तो वो पूछे कि बताइए कि कैसे नहीं गरीब लोग होते हैं। दूसरा बोला कि हम बोल रहे हैं ना कि दुनिया में गरीब लोग नहीं होते हैं। तो वहां से जब आगे बढ़ा, आगे गया तो आगे जब देखा तो एक भिखारी रास्ते पर भीख मांग रहा था, ठीक है, तो भीख मांग रहा था, नॉर्मल एक कटोरी रहता है उसके हाथ में, उसे भीख मांगता रहता है। तो बोला दोस्त तुम तो बोल रहे थे कि दुनिया में भिखारी, दुनिया में गरीब लोग नहीं होते, देखो तो ये तो गरीब है, ये गरीब है कि नहीं, तुम बोल रहे थे कि गरीब नहीं है। तो हंसने लगा, मुस्कुराने लगा वो, ठीक है। फिर आगे गया तो फिर देखा कि एक और गरीब था, वो क्या करता, कटोरा हाथ में लिया हुआ था और वो भी क्या करता, भीख मांग रहा था। फिर बोला कि यार तुम तो कहते थे कि दुनिया में गरीब लोग रहते ही नहीं, बताओ फिर ये भीख मांग रहा है, ये गरीब है कि नहीं तुम बताओ। फिर वो मुस्कुराने लगा, वो कुछ नहीं बोला था, खाली मुस्कुराते जा रहा था। फिर वो आगे बढ़ा, आगे जब बढ़ा चार चक्का से जा रहा था, तो आगे जब बढ़ा तो क्या हुआ कि जब चार चक्का रुका, जब ट्रैफिक रहता है वहां पे जो है, ट्रैफिक पुलिस रहता है या फिर रेड लाइट जहां पे होता है, तो वहां पे जब रुका तो उसके जो है विंडोज होता है, जो खिड़की होता है, उसे वो खटखटाया, कोई बाहर से खटखटाया, तो खटखटाया तो शीशा को नीचे किया, शीशा से को नीचे किया तो फिर देखा वहां एक भिखारी था, हाथ में बाटी लिया हुआ था। फिर बोला कि तुम तो बोल रहे थे कि दुनिया में गरीब लोग नहीं होते हैं, फिर ये क्या है। फिर वो मुस्कुराता रहा, वो कुछ नहीं बोला। फिर जो क्या किया दोस्त था, उसको जो देना था वो दे दिया, फिर उसको कहीं पहुंचना था, दोनों दोस्त पहुंच गया, ठीक है। फिर पहला दोस्त परेशान हो गया, भाई अगर माजरा क्या है, क्या बात है कि भाई बोल दिया कि दुनिया में गरीब लोग नहीं होते हैं और इतना इसे पूछ रहे थे, खाली मुस्कुरा ये रहा है, ठीक है। तो वो बहुत बेचैन हो गया पहला दोस्त, ऐसा क्या रीजन है, ये जो है हमको बता नहीं रहा है कि रीजन क्या है, क्यों ऐसा बोला है कि दुनिया में गरीब लोग नहीं होते, क्या है ऐसा रीजन, कुछ रीजन होगा तभी ना। तो पहला दोस्त बोला बहुत सारा, तो बोला उसको मतलब बेचैनी आ गया, तो गया उसके रूम, बोला कि नहीं तुम पहले बताओ कि तुम ऐसा कहे हमको बोला है कि दुनिया में गरीब लोग नहीं होते, जबकि तुम्हारे आंख के सामने जो है हम आपको दिखाए हैं कि ये सब गरीब है। वो बोला देखो तुम तो हो बहुत समझदार हमसे, बाकी हम एक चीज तुमको बताते हैं सचिन, दुनिया का हिंदुस्तान का एक लड़का 13 साल की उम्र में हाथ में बैट पकड़ता है, हिंदुस्तान का एक लड़का 13 साल की उम्र में एक बैट पकड़ लेता है और सर वो जाके दुनिया का नाम रोशन कर देता है जिसका नाम है सचिन तेंदुलकर, 13 साल की उम्र में। क्या कहते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपने हाथ में किताब पकड़ते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपने हाथ में किताब पकड़ते हैं और वो सर साइंटिस्ट बन जाते हैं। मोहम्मद अली नाम का एक लड़का है, 16 साल की उम्र में वो ग्लव्स पकड़ा, 16 साल की उम्र में वो ग्लव्स पकड़ा और सर वो देश का चैंपियन ग्लव्स बन गया, फाइटिंग करने वाला देश का चैंपियन। तो वो ये बात समझा कि अच्छा मतलब कहने का मतलब ये है कि जो शुरू से ही अगर कटोरी पकड़ा तो वो भिखारी बना, अगर वो शुरू से ही किताब पकड़ा रहता तो वो साइंटिस्ट बनता, शुरू से ही वो अगर बैट पकड़ा रहता तो वो सचिन तेंदुलकर बनता, अगर शुरू से ही वो कलम पकड़ा रहता तो वो क्या बनता, एजुकेटेड बनता। इसीलिए कहा जाता है कि एजुकेशन लेना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि नहीं। ये था सर इस कहानी, ये कहानी आपको कटोरी पकड़ना है नहीं, आपको कलम पकड़ना है, कॉपी पकड़ना है, किताब पकड़ना है, तब जाके आप इतिहास रचिए, है कि नहीं। ठीक है, खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने आप को सफाई रखिए, हंसते रहिए।